नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल PD क्लासेज में। दोस्तों आज है 12 सितंबर और आज हम देखने वाले हैं 12 सितंबर के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों जो भी इस चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट की 5-स्टार विलेज योजना पायलट आधार पर कहाँ शुरू की जाएगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। इंडिया पोस्ट ने 5-स्टार गांवों के नाम से एक योजना शुरू की है जिसमें सभी डाक उत्पाद और सेवाएं ग्राम स्तर पर उपलब्ध कराई जाएंगी। योजना के तहत सभी डाक उत्पादों और सेवाओं का विपणन और प्रचार ग्रामीण स्तर पर किया जाएगा। यह योजना महाराष्ट्र में पायलट आधार पर शुरू की गई है। महाराष्ट्र के अनुभव के आधार पर इसे पूरे भारत में लागू किया जाएगा। योजना पूरे महाराष्ट्र को कवर करेगी। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान यह योजना क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पहचाने जाने वाले प्रत्येक जिले के 50 गांवों को कवर करेगी। दोस्तों यहाँ पे आया है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। वर्तमान समय में यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। यहाँ पर विधानसभा सदस्यों की संख्या 288 है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 78 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पेज पर जिससे अधिक दोस्त करंट अफेयर्स की इस सीरीज का हिस्सा बन सकें। अगला क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में देश की GDP में निम्न में से कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की जा सकती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 9%। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश की GDP में 9% की गिरावट दर्ज की जा सकती है। एजेंसी का कहना है कि कोरोना संक्रमण अब भी अपने पीक पर नहीं पहुंचा है और सरकार पर्याप्त रकम नहीं खर्च कर रही है। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष की पहली यानी जून तिमाही में GDP में 23.9% की जबरदस्त गिरावट आई है। क्रिसिल का अनुमान है कि अक्टूबर में ख़त्म होने वाली इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में इकोनॉमी में 12% की गिरावट आ सकती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी में स्थापित किया जाएगा। रूबिन ऑब्जर्वेटरी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी चिली। दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे ने 3200 मेगापिक्सल डिजिटल फ़ोटो लिए। किसी एक शॉट में ली गई यह पहली सबसे बड़ी तस्वीर है। छवियों का आकार ऐसा है कि इसके पूर्ण आकार में एकल चित्र प्रदर्शित करने के लिए 378 4K अल्ट्रा HD TV स्क्रीन की आवश्यकता होगी। कैमरा चिली में रूबिन ऑब्जर्वेटरी में स्थापित किया जाएगा जहां पर संपूर्ण दक्षिणी आकाश की मनोरम छवियों का उत्पादन करेगा। यह कैमरा वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करेगा कि समय के साथ आकाशगंगाएं कैसे विकसित हुई हैं और डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से जुड़े रहस्य भी। चिली में स्थापित होने से पहले कैमरा 2021 तक तैयार होने की उम्मीद है। दोस्तों आइए चिली देश के बारे में जान लेते हैं। चिली की राजधानी सेंटियागो है। यहाँ की मुद्रा पेसो है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, DRDO द्वारा हाल ही में विकसित किया गया P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम निम्न में से किस विमान से 7 टन भार वर्ग तक की सैन्य सामग्री को गिरा सकता है?
तो इसका आंसर है ऑप्शन बी IL-76 विमान P-7 हैवी ड्राफ्ट सिस्टम, जो IL-76 विमान से 7 टन भार वर्ग तक के सैन्य स्टोर को गिरा सकता है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा बनाया गया है। इस प्रणाली को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। प्रणाली में एक मंच और एक विशेष पैराशूट प्रणाली है। मंच एल्युमिनियम या स्टील मिश्र धातुओं से बना है। यह सिस्टम को 100% स्वदेशी संसाधनों का उपयोग करके विकसित किया गया था। दोस्तों, DRDO के वर्तमान समय में अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हैं। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के सशस्त्र बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं की पारस्परिक प्रावधान पर समझौता किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए भारत और जापान। भारत के सशस्त्र बलों और जापान के आत्मरक्षा बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौते से भारत और जापान की सेनाओं के बीच सहयोग और अंतर संचालनता में वृद्धि होगी। जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्सेज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी सैन्य बजट वाली फोर्स है। यह दुनिया की 5वीं सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति है। भारत की सशस्त्र सेना दुनिया के 3रे सबसे बड़े रक्षा बजट के साथ यह दुनिया की 2री सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है। दोस्तों, यहाँ पे आया है जापान देश। जापान देश उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में पूर्वी एशिया का एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी टोक्यो और मुद्रा जापानी येन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, एक लाइक कीजिएगा हमारे लिए, जिससे कि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेके आता रहूं। तथा जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ निम्न में से किस स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 105वें स्थान पर। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ 105वें स्थान पर पहुंच गया है। इस सूची में हांगकांग और सिंगापुर पहले और दूसरे स्थान पर तथा चीन 124वें स्थान पर है। सूची में प्रथम 10 देशों में न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, जॉर्जिया, कनाडा और आयरलैंड शामिल है। जापान को सूची में 20वां, जर्मनी को 21वां और इटली को 51वां स्थान मिला है। जिन देशों को सबसे नीचे स्थान मिला है, उसमें अफ्रीकी देश कांगो, जिम्बाब्वे, अल्जीरिया, ईरान, सूडान, वेनेजुएला आदि शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और किस देश के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी फ्रांस। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से हाल ही में भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया। विदेश मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी बयान के अनुसार बैठक के दौरान मुख्य तौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। बैठक में तीनों पक्षों ने कोरोना वायरस महामारी के संदर्भ में उभरती चुनौतियों पर भी चर्चा की, जिससे हिंद महासागर के देशों पर महामारी का वित्तीय प्रभाव भी शामिल है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया भारत के प्रमुख भागीदार हैं।
दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्टाक मॉरिसन हैं। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। दूसरा देश फ्रांस है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों हैं। यहाँ की मुद्रा यूरो है। यहाँ की राजधानी पेरिस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड ने हाल ही में मेथेनॉल संयंत्र कहाँ पर शुरू किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ट्रांबे। राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड की ट्रांबे इकाई में मेथेनॉल संयंत्र शुरू किया गया है। इससे पहले राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड मेथेनॉल का आयात कर रहा था और अब यह नए शुरू किए गए संयंत्र के माध्यम से अपना मेथेनॉल का उत्पादन करेगा। मेथेनॉल का उपयोग फार्मास्यूटिकल्स, कीटनाशक, डाई स्टफ आदि के उत्पादन में किया जाता है। राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक लिमिटेड ने अगस्त 2020 में अपने लोकप्रिय उर्वरक के उत्पादन में 17.3% की वृद्धि की है। दोस्तों, आइए राष्ट्रीय रसायन उर्वरक लिमिटेड के बारे में जानते हैं। यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है। यह भारत में उर्वरकों का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। इसकी दो विनिर्माण इकाइयां जो महाराष्ट्र के ट्रांबे, मुंबई और रायगढ़ जिले में स्थित हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आप सब एक लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारे लिए, जिससे कि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लेके आता रहूं, तथा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पेज पर, जिससे अधिक से अधिक दोस्त करंट अफेयर्स की इस सीरीज का हिस्सा बन सकें। दोस्तों, आप सब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे द्वारा किया गया प्रयास सही है या इसमें कुछ और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ने स्टार्टअप और उद्यमियों की बैंकिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आई स्टार्टअप 2.0 नामक एक नया उत्पाद लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम स्टार्टअप के लिए उनके बैंकिंग के साथ साथ बैंकिंग से अलग ज़रूरतों जैसे नियामक सहायता, स्टाफिंग, अकाउंटिंग, ग्राहक अधिग्रहण और ग्राहकों के लिए डिजिटल आउटरीच जैसे अन्य का भी ध्यान रखेगा। आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। आईसीआईसीआई बैंक के MD और CEO संदीप बख्शी हैं। आईसीआईसीआई बैंक का टैगलाइन है, हम हैं ना ख्याल आपका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री रिद्ध सुधा कर दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, हुबली रेलवे स्टेशन। कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है। अब इसे श्री सिद्धरुधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार ने हुबली के रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के लिए हुबलियों की लंबे समय से उठ रही मांग को पूरा कर दिया है। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम, जो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है, पिछले 5 वर्षों में दूसरी बार बदला गया है। इससे पहले साल 2015 में हुबली टू हुबली किया गया था। श्री सिद्धरुधा स्वामी जी भारतीय हिंदू गुरु और दार्शनिक थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रीति सूदन को किस संगठन के स्वतंत्र पैनल में शामिल किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन, महामारी संबंधी तैयारियों और प्रतिक्रिया के लिए गठित विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्वतंत्र पैनल ने पूर्व स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को दुनिया भर से चुने गए 11 पैनलिस्ट के पैनल में शामिल किया है। यह निर्णय
पैनल के दो प्रमुखों न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क और लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति एलन जॉनसन सर्लिफ द्वारा किया गया। दोस्तों, WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडहनॉम हैं। दोस्तों, संडे को क्लास ऑफ रहेगा। दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारे लिए, जिससे कि मैं आपके लिए इसी तरह की करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आता रहूं। तथा जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तथा दोस्तों, आप सब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे द्वारा किया गया प्रयास सही है या इसमें कुछ और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, धन्यवाद।